a very good evening to all of you dear friends i would like to welcome all of you in my youtube channel go through fine art please press the subscribe button and the bell icon press the thumbs up because that help us to know what we need to prepare for you in future put a comment in the comment section right below this video hashtag go through fine art दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करते हैं उसके बगल में हैशटैग गो थ्रू फाइन आर्ट जरूर लिखें दोस्तों ये ए टू जेड फाइन आर्ट ही मेरा ही चैनल है जिसमें हम पेपर वन के बारे में सारी चीज़ें ला रही हूँ तो उसे भी सब्सक्राइब करें और देख लें फ्रेंड्स आज के वीडियो को मैं लास्ट तक देखने बोलूँगी और क्यों देखने बोलूँगी ये मैं बता देती हूँ आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि एन टी आई नेट के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं कैसे आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे इसके बारे में पूरा बात की हूँ और अर्पिता सिंह के इमेजेस मैं आप लोग को दिखाई नहीं थी तो वो भी ले आई हूँ तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरी नोट्स है मैं ये नोट्स बनाई थी और ये सब स्टिकी नोट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ऐसे नोट्स बना के इनको मैंने वॉल पे चिपका दी थी ताकि जब भी जो चीज़ मुझे याद नहीं रहता था जो भी चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी यूनिटरी यूनिवर्सिटी फेडरल यूनिवर्सिटी यानी कि एकात्मक विश्वविद्यालय कौन सा है संघात्मक विश्वविद्यालय कौन सा है ये सब मुझे नहीं मालूम था डीम यूनिवर्सिटी कौन सा है और ये सबसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आप लिख लीजिए पुराने क्वेश्चन बैंक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे या फिर आप कहीं से सर्च भी कर सकते हैं और मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगी अब हम अपना पार्ट अगर देखें तो देखिए हम लोग को हमेशा ये पूछा जाता है कि पेपर वुड ब्लॉक मूवेबल टाइप प्रिंटिंग एचिंग मेजूटिट एक्वा टिंट लिथोग्राफी ये सब कब बनाया गया है कब एक्सकेवेट हुआ है तो ये सब का क्रोनोलॉजी लिख लीजिए ताकि याद हो जाए फिर अब जैसे कि मैच में आ जाता है कि रूले का क्या होगा तो रूले इंटेग्लियो है ब्यूरिन क्या है तो ब्यूरिन उडकट के लिए यूज होता है आयरन प्रीक्लोराइड किया है तो एचिंग में यूज होता है टाइलो किया है तो फोर ग्राउंड है फ्रेंच चॉक किया है तो वाइपिंग के लिए यूज किया जाता है तो ये सब मैं लिख के नोट्स चिपका ली हूँ ताकि जैसे ही मेरी आँख खुलती थी मॉर्निंग के सात बजे छः बजे तो मैं उसे एक बार रिवाइज कर लेती थी जैसे यहाँ पे देखिए मेटल कास्टिंग के बारे में बात हुआ है कि उसको क्रोनोलॉजी में सजाना है तो पहले वेस्ट मोल्ड होगा फिर पीस मोल्ड होगा एंड देन वैक्सिंग होगा एंड देन इन्वेस्टमेंट मोल्ड होगा तो इस तरह से ही आप भी नोट्स बनाइए स्टिकी नोट्स बनाइए ताकि उसे आप हैंडी भी कर सकें कहीं जा रहे हैं तो कैरी कर सकें जैसे मैंने इसे लास्ट में जब मेरी यू जिस निकल गई तो मैं इसे बुक में अच्छे से किताब में कॉपी में जहाँ भी हो उसे पेस्ट कर ली ताकि ये मुझे फर्दर भी कभी यूज आ सके फिर जैसे यहाँ पे देखिए स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे होता है तो मेल्टिंग एंड क्लीनिंग ये सब सब मेंशन है आपके पुराने क्वेश्चन बैंक में वहाँ से ही आप इसे नोट डाउन करें क्योंकि तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं जैसे ड्राई पॉइंट तो ड्राई पॉइंट कहाँ यूज होता है या फिर ड्राई पॉइंट कब एक्सकेवेट हुआ पहले ड्राई पॉइंट हुआ एंड देन मेटल इनग्रेविंग हुआ उसके बाद लाइन एचिंग हुआ एंड देन एक्वाटेंट हुआ अब उसी तरह से कि किस में यूज होता है तो उसनीस आपका बोधिसत्व मैत्रिया में उसनीस का उपयोग होता है तो ये सब चीज आप यहाँ से याद कर सकते हैं वाल्टड डिसूजा किसके लिए जाने जाते हैं तो वाल्टर वाल्टड डिसुजा उडकट के लिए जाने जाते हैं तो है। यहाँ पे देखिए नीचे में मोनाज है तो मोन्टाज में विजुअल एडिटिंग होता है मोशन ब्लर्स कहाँ यूज होता है तो कंप्यूटर टूल में ल्यूमिनियर ब्लडर ब्रडर्स कहाँ यूज होता है तो सिनेमा में होता है अब थ्री एनिमेशन को बोला है क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए तो देखिए पहले मॉडलिंग होगा देन टेक्स्चर होगा उसके बाद नीचे कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा है तो इस तरह से आप लोग इसे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं क्योंकि अप्लाइड uh, आर्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर रिपीटिटली एक ही क्वेश्चन जैसे सॉल बॉस है पीटल रैंड है इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ अलग क्वेश्चन नहीं रहते हैं क्रोनोलॉजी में आपको मान लीजिए डेनेसा आर्टिस्ट से कोई दे दे कि बोतीचेली हो गया दोना तेलो ब्रामांते लियोनार्डो मसाचियो तो इनका क्रोनोलॉजी आप कैसे याद रखेंगे जब तक आप इनका डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रखेंगे तब तक ये क्रोनोलॉजी आप नहीं कर सकते हैं मान लीजिए कि क्रोनोलॉजी में भी असेंडिंग डिसेंडिंग होता है कभी ऐसा हो सकता है कि छोटे से बड़े को सजाना है कभी बड़े को छोटे से सजाना है तो क्वेश्चन समझना भी ज़रूरी है ऐसा नहीं कि गलती हम कर दिए क्वेश्चन नहीं समझे और सीधा हम देख लिए कि अच्छा सबसे पहले इनका जन्म हुआ है उसके अकॉर्डिंग रख दिए तो आंसर पूरा गलत हो जाएगा इसलिए पढ़ें कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है आरोही अवरोही फिर देखिए जहाँ पर जैसे कि फ्लैक्सीबल मोल्ड किस में यूज होता है तो फ्लैक्सीबल मोल्ड जो है फॉर मल्टीपल कास्टिंग के लिए यूज होता है स्प्रूइंग किसके लिए यूज होता है तो मूवमेंट ऑफ मेटल के लिए यूज होता है फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरी ये वीडियो सिर्फ ये वीडियो में जितने नोट्स मैं आप लोग को प्रोवाइड की हूँ अगर इतने भी आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपको दस नंबर कोई नहीं रोकेगा मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यहाँ से दस क्वेश्चन ज़रूर आएंगे सेम टू सेम नहीं आएंगे बट इस टॉपिक से जरूर आएंगे और फ्रेंड्स इसी तरह से मैं नोट्स बनाती हूँ अगर आप लोग भी चाहें सबकी अपनी अपनी नोट्स बनाने की तरीका होता है कुछ लोग लॉन्ग वे में बन जाते हैं कुछ लोग शॉर्टकट में जाते हैं तो वो आपके पढ़ने की तरीका जैसे कि मुझे लिख के चीज़ याद हो याद होती है अब ब्रॉन्ज कास्टिंग में एक बार लिख लियो कि ब्रॉन्ज कास्टिंग में पहले वैक्सिंग होगा एंड देन स्प्रूइंग एंड वेंटिंग अरेंजमेंट होगा फिर बर्न आउट होगा और पोरिंग होगा तो अब ये चीज़ मैं कभी नहीं भूलूंगी तो इसी तरह से अगर आपको भी लिख के याद होता है तो लिख के याद कर ले साथ ही साथ मुझे हर दिन रिवाइज करने की भी आवश्यकता होती है इसलिए मैं स्टिकी नोट्स वॉल में चिपका देती हूँ ताकि जैसे ही मैं फ्री टाइम में अगर सोने भी जा रही हूँ तो कम से कम दो तीन चीज़ देख के जाऊँ जैसे कि फ्लेक्सिबल रोल फिल्म तो ये जॉर्ज ने किया है तो ये हम देख लें या फिर 1954 में पिरेली पोस्टर किसने किया तो टेस्टा तेश्ट, एडमानी ने किया तो इस तरह से मैं देख के चीज़ों को दो तीन चीज देख के सो सकती हूँ उठने के बाद दो तीन चीज देख सकती हूँ ब्रश करते करते मैं तीन चार चीज पढ़ सकती हूँ ब्रश करने में हमें पाँच मिनट लगता है अब जैसे यहाँ पर देखिए शाहजहाँ अकबर जहांगीर प्रोविंशियल मुगल सारे के यहाँ पे पेंटिंग आ, कौन से पेंटर ने पेंट किया है कौन से डेट का है सब मेंशन है तो इस तरह से वॉल पे आप नोट्स चिपका सकते हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ एन टी ए सी नेट के वी एस एन बी एस डी एस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए नोट्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो मैं आप लोग को बताई हूँ और कम टाइम में आप लोग अपना जे कैसे क्लियर कर सकते हैं आप लोग बिलीव नहीं करेंगे मैं मात्र दो से तीन महीना पढ़ी हूँ कंटिन्यूसली दो से तीन महीना उतने में मेरा जे निकला है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग भी अगर ठान लेंगे कि निकालना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा दूसरा अटेम्प्ट देने की जरूरत ही नहीं है सो बाय बाय प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गो थ्रू फाइन आर्ट सी यू सून टेक केयर बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे स्टे सेफ स्टे होम